नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज़ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3.3 पॉइंट थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड नाउ नोटिस करना 31.4 इज नथिंग बट 10 पाई राइट हमारा सवाल है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन हमारे ऑप्शन है वन टू थ्री या फिर फोर हर्ट्स अगेन बहुत सिंपल सवाल है यहाँ अपने को एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है आपका एम्पलीट्यूड है फाइव सेंटीमीटर और आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड सो वी मैक्सिमम जो है वो हमें दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको अगर हम लिखेंगे सो so इसको 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं सवाल ये है जो हमसे यहाँ पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेसन क्या होएगा सो so, हमारी जो वी मैक्सिमम हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ओमेगा और वी मैक्सिमम अपने को दी हुई है टेन पाई विल बी इक्वल टू ए की वैल्यू हमने रख दी फाइव ओमेगा विच इम्प्लायज़ ओमेगा विल बी इक्वल टू टू पाए हमसे इस सवाल में पूछा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है ना ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं टू पाई एफ़ विल बी इक्वल टू टू पाए विच एम्प्लाइज यहाँ पर हमने यूज़ किया है कि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है विच इम्प्लायज़ एफ विल बी इक्वल टू टू पाए डिवाइड बाय टू पाए यानी कि वन हर्ड्स तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस मोशन में देट विल बी वन हर्ड्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर